दोस्तों आज किस डे में हम इलेक्ट्रिक गीजर कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक गीजर इंस्टॉलेशन के लिए में कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो होस पाइप है। इस होस पाइप के जरिए आपके गीजर का जो गर्म पानी है आसानी से फ्लो हो सकता है। यह होस पाइप आपको गीजर के साथ ही मिल जाता है। एक आपको एंगल कॉक लगाना होती है। यह एंगल कॉक आपको इनलेट वाल्व में लगाना होगी। यह निप्पल है। इस निप्पल को हमें आउटलेट वॉल्व में कनेक्ट करना है। यह हमारे पास स्टील स्क्रू है। यदि आप सॉफ्टनर के जरिए गीजर फिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टील स्क्रू के जरिए गीजर फिटिंग कर रहे हैं। 3 पिन टॉप और एक हमारे पास टेफलॉन टेप है। सबसे पहले गीजर में देखिए आपको इस तरह से दो वॉल्व मिल जाते हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट। देखिए इनलेट में आपको ठंडे पानी का कनेक्शन करना है और आउटलेट से आपको गर्म पानी मिलेगा। तो जो ब्लू वाला वॉल्व है यह इनलेट वॉल्व है और रेड वाला वॉल्व आउटलेट वॉल्व है। देखिए यह हमारे पास इनलेट वॉल्व है और यहाँ से हमें गीजर का गर्म पानी आउटलेट वॉल्व मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एंगल कॉक है इस एंगल कॉक को इनलेट में हमें फिट कर देना है। क्या होता है यदि हमें गीजर में पानी के फ्लो को रोकना हो तो हम इस एंगल कॉक के जरिए रोक सकते हैं। यदि हमें गीजर में पानी नहीं भरना है तो हम एंगल कॉक को स्टॉप कर देंगे तो गीजर में पानी नहीं जाएगा। बेसिकली जब रिपेयरिंग होती है या हमारे गीजर में कोई फॉल्ट आता है तब हमें गीजर में पानी जाने से रोकना होता है, तो वहाँ पर हम इस एंगल कॉक को स्टॉप कर देते हैं। देखिए ये हमने एक एंगल कॉक लगा लिया है। चलिए आउटलेट में अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस निप्पल को लगा लेना है क्योंकि इसके ऊपर हमें होस पाइप को फिट करना होगा। चलिए इस निप्पल में कम से कम टेफ्लोन टेप आपको 25 टर्न तो लगाना ही है, या आप 20 टर्न भी लगा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे लीकेजिंग की समस्या नहीं होती है। चलिए टेफ्लोन टेप को लगा दिया है। इसे आप प्लायर की सहायता से, आपके पास पाना हो तो पाने की सहायता से अच्छे से निप्पल को टाइट कर लीजिए। चलिए निप्पल को अभी हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। निप्पल को हमने आउटलेट वाल्व में कनेक्ट किया है। ये हमारे पास होस पाइप है। देखिए सबसे पहले होस पाइप को हम इस एंगल कॉक में लगा रहे हैं और इसे अच्छे से टाइट कर लेना है। देखिए हमारे पास लॉक आता है, लॉक के जरिए अच्छे से टाइट कर देना है। सेकंड जो होस पाइप है इस होस पाइप को हम आउटलेट वाल्व में लगा लेते हैं और इसे भी लॉक के जरिए अच्छे से टाइट कर लेना है। देखिए दोनों ही हमारे पास एंगल कॉक में और आउटलेट वाल्व में होस पाइप लग चुका है। गीजर के लिए आपको मार्किंग कर लेना है। देखिए यहाँ पर गीजर के लिए मार्किंग कर लेना है और इसे आप अच्छे से फिट कीजिए। हमारे पास जो दीवार है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है इसलिए हम यहाँ पर सॉफ्टनर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्टील स्क्रू का यूज़ कर रहे हैं। देखिए दीवार हमारे पास ज़्यादा मजबूत नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर स्टील स्क्रू फिट कर रहे हैं। पहले आप गीजर की अच्छे से मार्किंग ले लीजिए। देखिए दीवार हमारे पास बिल्कुल कमज़ोर है तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टील स्क्रू फिट किया। और स्टील स्क्रू फिट करने के बाद आपको ध्यान रखना है क्योंकि गीजर में 10 लीटर पानी भी रहेगा तो बोल्ट आपको अच्छे से टाइट करना, अच्छे से फिट करना है ताकि वो जो वाटर का जो वेट होता है या वजन होता है उसे बियर कर सके। तो अच्छे से हमें बॉम्बे खिले को या आपके पास जो भी स्टील स्क्रू है या सॉफ्टनर हो अच्छे से टाइट करना है, उसमें गीजर को फिट कर देना है। देखिए जो आपका इनलेट का पोर्शन है इनलेट वाल्व में, इसमें आपको ठंडे पानी का कनेक्शन कर देना है। गीजर की फिटिंग आपको प्रॉपर करना है, इसका आप ध्यान रखिए। इसे अच्छे से आप पहले टाइट कर लीजिए इनलेट वाल्व में। देखिए जो हमारे पास होस पाइप होता है इसमें वॉशर भी दिया जाता है। वॉशर से क्या होता है, लीकेजिंग की जो समस्या होती है वो लीकेजिंग की समस्या नहीं आती है। तो पहले आप इस पाइप में वॉशर को ज़रूर चेक कर लीजिए वॉशर दिया गया है या नहीं। चलिए यहाँ पर हमारे पास वॉशर दिया गया, इसे अच्छे से अभी हमने फिट कर लिया है। देखिए दोनों ही वाल्व हमारे फिट हो चुके हैं। देखिए दोनों को आपको फुल टाइट करना है बट ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, नहीं तो आपका जो वाशर है वह कट सकता है। चलिए अभी हमें क्या करना है, गीजर में इनपुट पावर सप्लाई के लिए देखिए अभी हमने इस एंगल कॉक को खोल दिया है। अभी गीजर में पानी भराना स्टार्ट हो गया है। देखिए जैसे जैसे गीजर में पानी जाएगा नल को जब हम स्टार्ट करेंगे तो पानी इस नल से आएगा। अभी गीजर में पानी भरा रहा है, तब तक हम क्या करते हैं गीजर में पावर सप्लाई के लिए 3 पिन टॉप का कनेक्शन कर लेते हैं। अभी गीजर में ठंडा पानी जा रहा है, अभी पावर सप्लाई को हमने ऑन नहीं किया है। देखिए गीजर को आप जब भी फिट करते हो अर्थिंग का कनेक्शन ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं 3 पिन टॉप में अर्थिंग के वायर को कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों सिंपल सा आपको इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व का कनेक्शन करना है और इसमें आपको यह देखना है कि वहाँ पर वाटर लीकेज ना हो। आपको जो वायर जो आपका होस पाइप है उसे अच्छे से टाइट करना है। चलिए यहाँ पर लाइन के पोजीशन पर आपको लाइन वायर कनेक्ट कर देना है, न्यूट्रल की पोजीशन पर आपको न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देना है।
सिंपल सा हमारा 3 पिन टॉप का कनेक्शन हो चुका है। 3 पिन टॉप के जरिए हमारे गीजर में सप्लाई आएगी। देखिए गीजर में पानी भर चुका है, अभी हमारा ठंडा पानी आ रहा है। देखिए गीजर में जो हमने पानी भरा था, ठंडा पानी आना स्टार्ट हो चुका है। अब इस 3 पिन टॉप को हम कनेक्ट कर देते हैं, अच्छे से पहले फिट कर लेते हैं। चलिए इसे अभी हमें लगा देना है और गीजर की पावर सप्लाई को ऑन कर देना है। देखिए गीजर ऑन हो चुका है। गीजर में भी हमारे पास दोनों ही इंडिकेशन ग्लो कर रहा है। देखिए एक हमारे पास रेड इंडिकेटर है और एक ग्रीन इंडिकेटर है। गीजर में अभी पावर सप्लाई आ रही है। कुछ समय में कम से कम 5 से 10 मिनट में आपको यहाँ गर्म पानी मिल जाएगा। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से इलेक्ट्रिक गीजर फिटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर। सो आज के लिए इतना।